ऑपरेशन मेघदूत जो कि किया गया दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड को कब्जाने के लिए, जहां पे टेम्परेचर -50-55 डिग्री तक चला जाता है और जहां पे स्नोफॉल भी 35 फीट तक होती है। सियाचिन ग्लेशियर जिसका एरिया ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर तक का है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन के ठीक बीच में आता है और इन दोनों देशों से भारत की नहीं बनती। तो इन दोनों देशों का कनेक्शन तोड़ने के लिए और अपने एरिया को सिक्योर करने के लिए सियाचिन पे कब्जा करना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब स्टोरी स्टार्ट होती है 1949 में, जब इंडिया और पाकिस्तान की पहली लड़ाई खत्म होने के बाद कराची एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों ने लाइन ऑफ कंट्रोल को रिकॉग्नाइज किया, पर इस एग्रीमेंट में कहीं भी सियाचिन का नाम नहीं था और इसी बात का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानियों ने दुनिया को सियाचिन अपना पार्ट बताना स्टार्ट कर दिया। और ईयर 1670s में यूरोपियन देशों में माउंटेन क्लाइंबिंग की हॉबी काफ़ी शोरों पर थी, तो वहां से क्लाइंबर आने स्टार्ट और उन क्लाइंबर्स को माउंटेन क्लाइंब करने की परमिशन दे रहा था पाकिस्तान, जिससे पूरी दुनिया को ये बताया जाता कि ये हमारा पार्ट है। फिर एक दिन कुछ जर्मन क्लाइंबर्स इंडियन आर्मी के पास आए और हमारी वाली साइड से सोल्ट्रेज पहाड़ियों पे चढ़ने की परमिशन मांगी। तब कर्नल नरेंद्र कुमार ने उनका मैप देखा जिसमें पाकिस्तान ने पूरा सियाचिन अपने में दिखाया हुआ था। कर्नल ने उनसे उनका मैप लिया और अपने ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की। सियाचिन ग्लेशियर जो है वहाँ पे 4 से 5 पहाड़ियाँ हैं, जैसे सबसे नीचे वाला पार्ट है NJ 9842 के नाम से जाना जाता है, फिर एक पहाड़ी है बिलाफोंडला, सियाला, क्योंला और सबसे ऊपर आता है इंदिरा कोल। ये सारी पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट थी पूरे सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा करने के लिए। फिर इंडिया और पाकिस्तान दोनों के सोल्जर्स भी इन पहाड़ों पे जाने लगे जिसे वो अपना एरिया बना सके। और 80s आते आते दोनों को ये समझ आ चुका था कि पेट्रोलिंग से, क्लाइंबिंग से कुछ नहीं होना, हमें यहाँ पे अपनी आर्मी की पोस्ट बनानी पड़ेगी और हमें यहाँ पे हथियार भी लाने होंगे। पर उन पहाड़ों पे पूरी तरीके से कब्जा करने के लिए भारतीय सेना को काफी सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत थी और ऐसे जैकेट्स, ग्लव्स, बूट्स और भी काफी चीजें जिसे वहाँ जाया जा सके, ये सारी चीज इंडिया में अवेलेबल नहीं थी और ये सारी चीजें अवेलेबल थी यूरोप में। तो इंडिया ने यूरोप जाके एक सप्लायर से बात, पर उसने मना कर दिया और कहा कि हमारे पास पहले से ही बहुत ऑर्डर है, आप किसी दूसरे सप्लायर से कॉन्टेक्ट कर लो। और फिर इंडियन सोल्जर ने जब उससे पूछा कि आप किसके ऑर्डर पे काम कर रहे हो, तो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का नाम लिया और अब इंडिया सब कुछ समझ चुका था कि ये भी प्लान कर रहे हैं सियाचिन पे अपनी पोस्ट बनाने का और उसे कब्जाने का। और फिर भारत ने सोचा कि अब हमें ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए और उन्होंने अप्रैल में ही अपना ऑपरेशन स्टार्ट करने का सोचा। फिर 12 अप्रैल को कपड़ों और इक्विपमेंट्स का इंतजाम हुआ जिसमें 30 लोगों की टीम बनाई गई और 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट हुआ और सारे सोल्जर्स को हेलीकॉप्टर की मदद से बिलाफोंडला पे उतारा गया और वहां अपना तिरंगा गाड़ दिया गया। और वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही एक रेडियो ऑपरेटर की तबीयत खराब हो जाती है और उसे वापस भेज दिया जाता है। और अब अगला टारगेट था सियाला, पर तेज तूफान के कारण सियाला को फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया और 2 दिन बाद एक जवान ठंड के कारण वहीं शहीद हो गया और 21 की भी तबीयत खराब थी फ्रोस्ट बाइट के चलते। फ्रोस्ट बाइट से हाथ पैर कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। मिशन स्टार्ट करते वक्त सोल्जर्स को रेडियो यूज ना करने को कहा गया था क्योंकि उसे यूज करने पे पाकिस्तान आर्मी को पता चल जाता, पर अब रेडियो यूज करना जरूरी हो गया था। तो उन्होंने रेडियो यूज किया और इसके बाद उस शहीद सोल्जर को वहां से ले जाया गया, पर पाकिस्तान आर्मी को भी इंडियन आर्मी के मिशन के बारे में अब सब पता चल चुका। और फिर 17 अप्रैल को इंडियन हेलीकॉप्टर की मदद से सियाला पे भी कब्जा कर लिया गया और 23 अप्रैल तक बिलाफोंड और सियाला पे हथियारों की सप्लाई भी कर दी गई। और इसी बीच इंडियन इंटेलिजेंस को खबर मिली कि पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन अब भी लॉन्च कर चुकी है हमें रोकने और सियाचिन पे कब्जा करने के लिए। फिर बिलाफोंडला पे चंचल नाम के एक सोल्जर ने बिलाफोंडला के नीचे कुछ हलचल देखी और अपने ऑफिसर को इसके बारे में बताया। 23 जून को सुबह हमला स्टार्ट हो चुका था, उसमें चंचल के सिर पे हैवी मशीन गन से गोली मारी गई और वो उसी वक्त शहीद हो गया। और अब अटैक दोनों तरफ से स्टार्ट हो चुका था और इस लड़ाई में भारत ने अपना एक जवान खोके उनके 26 मार गिराए। और इसके बाद भी पाकिस्तान आर्मी ने 2 बार अटैक और किया पर उन्हें जीत नहीं मिली और इस तरह भारत ने धीरे धीरे पूरे सियाचिन पे अपना कब्जा कर लिया। इसके कुछ सालों बाद यानी 1987 में एक ऑपरेशन और किया गया सियाचिन पे,
जिसका नाम था ऑपरेशन राजीव। 1987 आते आते भारत सियाचिन में 3000 सोल्जर्स डिप्लॉय कर चुका था, जिसमें हेलीकॉप्टर, हथियार, रॉकेट लॉन्चर वगैरह सबकी सप्लाई थी। और फिर 18 अप्रैल को पाकिस्तान की पोस्ट से इंडियन पोस्ट पे फायरिंग की गई, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए। ये फायरिंग पाकिस्तान की कायदे आजम पोस्ट से की गई थी और अब इंडियन आर्मी ने वो पोस्ट कब्जाने का प्लान बनाया और मेजर राजीव पांडे के साथ 9 सोल्जर भेजे गए पेट्रोलिंग के लिए, जिससे पता चल जाए कि वो कितने हैं और कौन कौन से हथियार के साथ। और जैसे ही पेट्रोलिंग टीम उनकी पोस्ट के पास पहुंची, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट की, जिसमें मेजर पांडे के साथ सारे सोल्जर्स शहीद हो गए। फिर मेजर राजीव पांडे के नाम पे ही ऑपरेशन राजीव लॉन्च किया गया और अब भारत को किसी भी कीमत पे वो पोस्ट पे अपना कब्जा करना था। इस ऑपरेशन के लिए 50 सोल्जर्स की टीम बनाई गई और एक यूनिट दी गई बाना सिंह को। ये पोस्ट किस 1000 फीट ऊपर थी। यहाँ 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हवा चल रही थी और साथ ही साथ स्नोफॉल भी हो रहा। ऐसे हालात में और ऐसे मौसम में इंडियन आर्मी के जवान वहाँ चढ़े और फिर कायदे आजम पोस्ट पे लड़ाई स्टार्ट होती है और इस बार भारत को इसमें जीत मिली। और इस लड़ाई में बाना सिंह और उनकी यूनिट की बहादुरी को देख के इस पोस्ट का नाम बाना टॉप रख दिया गया। तो ये थी ऑपरेशन मेघदूत और राजीव की पूरी कहानी। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।